बेतिया पुलिस ने 10 किलोग्राम अवैध मादक चरस के साथ 3 तस्कर को किया गिरफ्तार। मनुआ पुल ओपी पुलिस और तकनीकी सेल की संयुक्त कार्रवाई से मिली बड़ी सफलता। न्यूज 9 टाइम्स, बेतिया से आशुतोष कुमार बर्णवाल की ब्यूरो रिपोर्ट। पश्चिमी चंपारण के बेतिया पुलिस जिला के मनुआ पुल पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 10 किलोग्राम चरस के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से 2 मोटरसाइकिल एवं 2 मोबाइल भी बरामद किया है। उक्त जानकारी देते हुए बेतिया पुलिस अधीक्षक अमर केस जी ने बताया कि बुधवार की शाम को गुप्त सूचना मिली कि 2 मोटरसाइकिल पर सवार 3 व्यक्ति मादक पदार्थ को लेकर नेपाल से चनपटिया होते हुए छावनी आने वाले हैं। उक्त सूचना के सत्यापन एवं छापेमारी हेतु मनुआ पुल ओपी प्रभारी मोहम्मद अलाउद्दीन के नेतृत्व में एक दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति करते हुए एक छापेमारी टीम का गठन किया गया। उक्त छापेमारी टीम द्वारा मनुआ पुल ओपी क्षेत्र अंतर्गत चनपटिया रोड में मेहंदियाबाड़ी स्थित महेश दंत झा के आम के बगीचे के पास से 3 व्यक्ति को 2 संदिग्ध मोटरसाइकिल के साथ पकड़ा गया, जिन्हें प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी के समक्ष विधिवत जांच करते हुए दोनों मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्तियों के पास से अलग अलग 10-10 पैकेट में रखा कुल 10 किलो चरस बरामद किया गया, जिसे विधिवत जब्ती सूची बनाकर जब्त किया गया, जिसका अनुमानित मूल्य लगभग 2 करोड़ रुपए बताया गया। पकड़ाए गए व्यक्तियों से नाम पता पूछने पर अपना नाम कासिम आलम उम्र 19 वर्ष कैमुद्दीन मियां साकिन मेहंदियाबाड़ी थाना मनुआ पुल ओपी बलिस्टर मियां उम्र 62 वर्ष स्वर्गीय सुखारी मियां के पुत्र साकिन भौरा थाना बलथर तथा अब्दुल गनी मियां उम्र 40 वर्ष पिता फैजल मियां साकिन सकरौल थाना इनरवा सभी जिला पश्चिमी चंपारण बेतिया बताए। पुलिस ने उनके पास से 2 मोटरसाइकिल एवं 2 मोबाइल भी बरामद किया है। इस संबंध में मनुआ पुल ओपी बेतिया मुफसिल थाना कांड संख्या 830/2023 दिनांक 27/12/2023 धारा 414 भारतीय दंड विधान एवं 8/20/6-2C-23C-29 NDPS एक्ट अंकित कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। छापेमारी दल में मनुआ पुल ओपी प्रभारी पुलिस निरीक्षक मोहम्मद अलाउद्दीन, तकनीकी सेल प्रभारी पुलिस निरीक्षक धनंजय कुमार, पुलिस निरीक्षक अभिराम सिंह, पुलिस निरीक्षक निर्भय कुमार, अवर निरीक्षक कमलेश कुमार आदि शामिल थे। न्यूज 9 टाइम्स। कल शाम को मनुआ पुल थानेदार को और DIU के जो ऑफिसर्स हैं उन लोगों को सूचना मिला था कि नेपाल से कुछ चरस जो है वो स्मगलिंग करके इधर चनपटिया होते हुए मनुआ पुल आ रहे हैं, लेके आ रहे हैं। तो उसी सूचना पे ये लोग तुरंत मतलब कार्रवाई करते हुए वहाँ पे जो मजिस्ट्रेट होगी RO है तो उसको मतलब टीम में लेते हुए वहाँ पे चेकिंग लगा के उसको रोक के चेकिंग किए थे। ये जगह का नाम है मेहंदियाबाड़ी, ये मनुआ पुल थाना में पड़ता है चनपटिया रोड में। वहाँ पे जो बगीचा है महेश दंत जा के बगीचा के आसपास चेकिंग करते हुए इन लोगों को पकड़ लिए और इन लोगों के जो पास 2 मोटरसाइकिल्स थे तो उसमें डिक्की में जब ये लोग चेक किए हैं तो लगभग 10 किलो का चरस जो है वो पकड़ा गया था। और उसमें मोटरसाइकिल्स पे जो 3 व्यक्ति थे उन लोगों को ये लोग गिरफ्तार किए थे तुरंत। तो इन लोगों का नाम है कासिम आलम एक है, बलिस्टर मियां और अब्दुल गनी मियां। तो बलिस्टर मियां जो है इसके दामाद है ये दोनों, कासिम आलम और अब्दुल गनी मियां। ये तीनों बलतर के एक और इनरवा के एक और मनुआ पुल के रहने वाले हैं। तो इन लोगों के पास से 10 किलोग्राम का चरस ये लोग सीज किए हैं और 2 मोबाइल सीज किए हैं और 2 मोटरसाइकिल्स भी इन लोगों के पास से सीज किए हैं। और इन लोगों का आपराधिक इतिहास है सब जब पता किए हैं तो पता चला है कि बलिस्टर मियां जो है वो लगभग 3-4 बार वो जेल जा चुके हैं
और लगभग दो केसेस अभी तक जो मिला है हमको क्रिमिनल हिस्ट्री, लगभग दो केसेस प्रीवियस क्रिमिनल हिस्ट्री है, NDPS एक्ट के केसेस में ही ये जेल गया था। तो बाकी दो लोगों का भी क्रिमिनल हिस्ट्री कुछ मिला नहीं है, लेकिन उसका भी हम लोग देख रहे हैं। और ये काफ़ी बड़ी मात्रा में चरस मिला है, लगभग इसका मार्केट वैल्यू काफ़ी करोड़ों में है एक्चुअली। डिफरेंट डिफरेंट शहर में डिफरेंट मतलब उसका वैल्यू होता है, तो करोड़ों में है। काफ़ी अच्छा मतलब ये उपलब्धि है पुलिस के लिए। बलतर थाना में है, गांव है ये भौरा और कासिम आलम और अब्दुल गनी मियाँ ये दोनों इसके दामाद हैं। इसमें कासिम आलम का है मनुआपुल में मेहदिया वारी, जहाँ पे ये गट मतलब ये रिकवर हुआ है, सीज हुआ है, वही गांव है। और अब्दुल गनी मियाँ का है सकरौल, इनरवा थाना का है ये। और इनफैक्ट ये इनरवा में ही नेपाल बॉर्डर से किसी से मतलब ये लोग स्मगलिंग कर रहे थे, पहले भी हिस्ट्री रहा है इन लोगों का।